अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते या अपने आधार कार्ड में कोई भी करेक्शन नहीं करवा सकते या आप CSC सर्विस के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं कि अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और खो गया है या आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ही नहीं तो आप नया अपने आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर किस तरीके से ऐड करवाएंगे। तो सुराज मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में एक नया मोबाइल नंबर लिंक करवाएंगे। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कराने का। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मेरे तो खून में है टाइटेनियम है, आप ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा और आप चाहे तो कर भी सकते हैं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र में टाइपिंग करेंगे uidai.gov.in तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ देख रहे हैं कि बुक एंड अपॉइंटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आधार सेवा दो तरह के होते हैं, वो तो एक तो वो होते हैं जिसे UIDAI रन करता है, दूसरा वो होते हैं जिसे रजिस्ट्रार रन करते हैं। तो पहले आपको देख लेना है कि UIDAI रन करता है, उसके द्वारा चलाए जा रहे सेवा पे आप जा सकते हैं या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और इसमें अपना एड्रेस चेक कर लेंगे कि आप इस एड्रेस पे जा सकते हैं या नहीं। तो देखिए मेरा एड्रेस तो यहाँ काफ़ी दूर है पटना, तो मैं सिंपली इसको कैंसिल करता हूँ। अब यहाँ रजिस्ट्रार द्वारा चलाए जा रहे सेवा पर हम चेक करूँगा, तो इसके लिए यहाँ देख रहे हैं कि प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ देखिए कि आपको पहले मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ कैप्चा जो है इसमें नीचे डालेंगे। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से आपको कैप्चा को रिफ्रेश कर लेना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डाल के यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, ये कैप्चा नीचे डाल के आपको सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके पास OTP आएगा, वो OTP को आपको यहाँ डालना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट करके वेरीफाई करना है। चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर चूज करके मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करूँगा। अब मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आ गया है, मैं यहाँ OTP डाल देता हूँ। आप ध्यान रखिए कि OTP का जो टाइम होता है वो वैलिड टाइम OTP का 10 मिनट होता है, तो आपको 10 मिनट के अंदर में आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। तो मैं यहाँ अब डाल दिया OTP, यहाँ सबमिट OTP एंड प्रोसीड पे ओके करूँगा। अब देखिए मेरा यहाँ पे जो है सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है, यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यू इनरोलमेंट, अब इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना फुल नेम भी करेक्शन करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, एज भी यहाँ से अपने एज भी करेक्शन करा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी करेक्शन करा सकते हैं, जेंडर मतलब मेल है फीमेल है जो भी है इसमें करेक्शन करा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि रेसिडेंस टाइप मतलब इंडियन नॉन इंडियन है, उसको भी आप करेक्शन करा सकते हैं। चलिए हमको तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्शन कराना है, तो सिंपली यहाँ देख रहे हैं कि अपडेट आधार, तो यहाँ पर अपडेट आधार वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन ओपन होकर आ चुका है। अब यहाँ पे अपना नाम डालना है, वही नाम डालेंगे जो आधार कार्ड में होगा, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर नाम डालना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। अब आप किस में करेक्शन कराना चाहते हो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना, जैसे नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, बायोमेट्रिक, स्कैन जो होता है फिंगर हाथ का अंगूठा का, वो इसमें से जो भी आप करेक्शन कराना चाहते हैं उस पर आप इसे टिक मार्क लगा देंगे। चलिए हम ईमेल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कराना चाहते हैं तो हम दोनों सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ नाम और यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ नाम, आधार नंबर और जो भी आपको करेक्शन कराना है उसमें से सेलेक्ट करके यहाँ प्रोसीड वाले पे ओके करेंगे ये कन्फर्मेशन के लिए। चलिए यहाँ सब कुछ मेरा ओके, मैं यहाँ ओके करूँगा। अब यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे जो भी आप करेक्शन कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ डाल देना है। जैसे मैं यहाँ मोबाइल नंबर को करेक्शन कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर डालूँगा, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देता हूँ। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो यहाँ से जाकर अपना कैप्चा भी आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मैं मोबाइल नंबर डाल दिया, कैप्चा डाल के मैं यहाँ सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। ये कैप्चा इनवैलिड है, चलिए मैं कैप्चा को मैं रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। चलिए मैं कैप्चा डाल दिया, सिंपली सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए कि आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आया होगा, ये मेरे केस में आ गया है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, और आपके केस में आएगा तो आपको इसी तरीके से डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद OTP डालने के बाद सिंपली यहाँ पे वेरीफाई OTP क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए ऊपर में लिखा आ रहा है मोबाइल नंबर वेरीफाई सक्सेसफुली, तो इसी तरीके से आपको भी अपना जो मोबाइल को अब वेरीफाई करवा लेना है। अब मैं आपको बताऊँ कि आप ईमेल आईडी को कैसे वेरीफाई करेंगे। ईमेल आईडी को यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे, इसके बाद सेंड OTP भी करके जैसे मैं वेरीफाई किया हूँ इसी तरीके से इसको भी आपको वेरीफाई कर लेना। चलिए मैं यहाँ ईमेल आईडी डाल देता हूँ।
अब मैं यहाँ ईमेल आईडी कैप्चा डाल के यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे जो है ईमेल आईडी उस पर ओटीपी गया होगा, मैं ओटीपी डाल के यहाँ वेरीफाई पर ओके करूँगा। यहाँ देखिए मेरे केस में यहाँ ओटीपी आ चुका है, सिंपली मैं यहाँ ओटीपी पर ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ देखिए कि मेरे केस में यहाँ पे जो है ओटीपी आ चुका, चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। वहाँ पे ओटीपी डालने के बाद सिंपली यहाँ वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कि मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। सिंपली अब यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अपना कुछ डिक्लेरेशन है उसको आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप चेक मार्क करके यहाँ सबमिट पे ओके करेंगे। जैसे सबमिट पे ओके कीजिएगा तो यहाँ देखिए कि आपका एप्लीकेशन हैज बीन सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन आईडी भी यहाँ पे आपको दे दिया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से फोटो खींच लीजिए। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हम बुक एंड अपॉइंटमेंट पे ओके करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अपना जो आधार सेंटर है इसको आप सर्च कर सकते हैं यहाँ नाम डाल के भी और यहाँ पे अपना पिन कोड भी डाल के। चलिए मैं आप पहले आपको यहाँ नाम डाल के सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ नाम डाल के यहाँ गेट डिटेल पे ओके करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ यहाँ देखिए कि 10 इनरोलमेंट सेंटर फाउंड है, मतलब इस जो नाम पे है 10 गो है। तो इसी तरीके से आप भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब ओटीपी पिन कोड डाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, मैं गेट डिटेल पे ओके करता हूँ। ओके करते यहाँ देखिए कि जो मैं पिन कोड डाला हूँ उस पर एक भी नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है नेम वाला पे ही मैं सर्च करके देख लेता हूँ और इस पर मैं देख लेता हूँ कि मेरे नज़दीक में कौन सा है। तो सिंपली जो भी नज़दीक में है उसको आप सर्च कर लेंगे। तो इसमें मेरा नज़दीक में कोई नहीं है, ठीक है, मैं दूसरा नाम डाल के यहाँ सर्च कर लेता हूँ। दूसरा नाम डाल के भी यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए हम दूसरा नाम डाल दिया, अब यहाँ पर देखिए कि इसमें भी 10 वो आ चुका है। चलिए मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, पहले वाला को ही चूज कर लेता हूँ क्योंकि कुछ नज़दीक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन बताया जा रहा है कि अब जो ग्रीन वाला जो है यहाँ स्लॉट अवेलेबल है और यहाँ रेड वाला जो है वो स्लॉट नॉट अवेलेबल है। तो इसमें देख रहे हैं कि रेड है तो इसमें स्लॉट अवेलेबल नहीं है। चलिए यहाँ पर मैं दूसरा मंथ में देख लेता हूँ, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो और भी नहीं, चले मैं बैक आ जाता हूँ। इसी तरीके से अगर इस डेट में नहीं है अगला डेट में आप चेक करेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें भी नहीं है। चलिए मैं अगला डेट में मंथ में देख लेता हूँ, इस मंथ में ही भी नहीं है, इसमें तो और भी नहीं, अगला मंथ में, चलिए मैं बैक आ जाता हूँ। अब मैं दूसरा एड्रेस पर चेक कर लेता। तो इसी तरीके आपको चेक कर लेना है कि कौन सा एड्रेस में आपको मिल जाएगा, जो रेड है वो नहीं है, जो ग्रीन है उसमें स्लॉट अवेलेबल है। तो सिंपली देख रहे हैं कि इसमें नहीं है, चलिए मैं अगला में चेक कर लेता हूँ। अब देखिए कि इसमें है, इसमें 7 है और 8 है। तो सिंपली मैं यहाँ पे बुक कर लेता हूँ, मैं 7 वाला ही बुक कर लेता हूँ। नहीं चलिए मैं यहाँ 8 वाला बुक कर लेता हूँ। और यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपको टाइमिंग भी दिया जा रहा है कि इतना से इतना टाइम तक आप जा सकते हैं। व्हाइट वाला है ये नहीं है और जो ग्रीन वाला आपको शो कर रहा है वो सब अवेलेबल है। तो इतना टाइम में आप यहाँ पे जा सकते हैं और अपना जो आधार कार्ड में जो भी करेक्शन है करा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 1:15 वाला चूज कर लेता हूँ। इसके बाद सिंपली यहाँ पर सबमिट पर ओके करेंगे। अब देखिए कि यहाँ पे आपका जो है एनरोलमेंट सेंटर का यहाँ आपका पूरा नाम यहाँ पे आ चुका है, ये एड्रेस है, आपको इसी एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा और ये डेट है 8 का डेट है और यहाँ टाइमिंग भी आपको बताया जा रहा है कि 1:15 पे। यहाँ पर देख रहे हैं कि पेमेंट डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पेमेंट पेड का ऑप्शन है 50 रुपया और यहाँ पर देख रहे हैं कि पे एट सेंटर, मतलब आपको ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं है कि आप ऑनलाइन पेमेंट पे कर सकते हो। जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम, UPI कुछ का ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट सेंटर पे जाना पड़ेगा और वहीं पे आपका जो बायोमेट्रिक स्कैन होगा और वहां पे आपका करेक्शन करने के बाद आपको वहां 50 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए सिंपली यहां कन्फर्म इस तरीके से फिर ये देख रहे हैं कि जो अभी बुक किए हैं वो आपका सक्सेसफुली बुक हो चुका है और यहाँ देख रहे हैं कि एप्लीकेशन डिटेल भी आपका आ चुका है। यहाँ आपका पूरा नेम आ जाता है, यहाँ रेजिडेंशियल टाइप है, कौन ईमेल आईडी आप करेक्शन कराना चाहते हैं वो, मोबाइल नंबर वो, और यहाँ पे आपका QR कोड भी आ जाता है और यहाँ पर देख रहे हैं कि एप्लीकेशन आईडी जो मैं आपको पहले बताया था वो आपका आईडी आ जाता है। यहाँ पर जो एड्रेस है वो एड्रेस, इसी एड्रेस पर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी डेट में आपको जाना पड़ेगा और टाइमिंग है 1:15 से 1:30, मतलब आपको 15 मिनट में वहाँ आपको सब कुछ काम हो जाएगा, आपको वहां पे कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका टाइम स्लॉट बुक हो चुका है। तो इसी तरीके से बहुत ही आसानी से अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं और आपका काम बहुत ही जल्दी वहां से फास्ट वहां पे आपका आधार सेंटर पे हो जाएगा। तो इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, साथ में आपको आधार कार्ड ले लेना है और आपको जो भी एड्रेस मैं बताया हूँ ये एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आपको जाइएगा, वहाँ पे आपको कोई टाइम वहाँ पे आपको कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा, बस इस टाइम पे पहुँचिएगा, आपको फिंगरप्रिंट होगा और वहाँ पे आपका जो भी करेक्शन है कर दिया जाएगा, बस आप पेमेंट देंगे, आपका करेक्शन सक्सेसफुली आपका जो भी है करेक्शन वो हो जाएगा। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें,
वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें, क्योंकि मैं इस तरीका का नया नया और लेटेस्ट वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूं, और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूं, क्योंकि मैं तो इसको लेके जाना है ना, तो इसीलिए आपको भी इसको डाउनलोड कर लेना। चलिए मैं यहां पे डेस्कटॉप चूज कर लेता हूं और मैं यहां पे इसको सेव करके रख लेता हूं। तो आपको भी इसी तरीके से उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, प्रिंट आउट निकाल के आधार कार्ड और जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर जाइएगा, बहुत ही आसानी से आपका जो अपडेट है वो कर दिया जाएगा। सो इसी तरीके से आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को लिंक करा सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कराने का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।